मैं सरदार उज्जवल सिंह साकेत मुगामातराल पुरजोर गुजारिश करता हूं गवर्नमेंट से कि तमाम बड़े बड़े रोडों का काम जो हो गया है केवल फ्रॉम धोबी वॉन्ट टू नायर जो हमारा रोड है 3 किलोमीटर है इसमें कोई सुनवाई ना काम हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पेमेंट दी है लेकिन पता नहीं है क्या वजह है, इसको इग्नोर किया जा रहा है। हमें बारिश में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हर कोई बीमार होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। मेरी पुरजोर गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इस रोड की तरह पूरी तवज्जो दी जाए। वो हमको हमारे साथ सोती नहीं माँ का सलूक किया गया है, क्या वजह है, क्या गुनाह किया है हमने। मेरी पुरजोर फिर दोबारा मैं अपील करता हूँ मीडिया की माध्यम से कि नायर धोबियों टू नायर जो रोड है जल्द से जल्द इसको मैग्नमाइज किया जाए, जबकि लोगों ने अपनी घरों से जगह छोड़ी है और रोड को हमने कुशादा बनाया है तो अभी पता नहीं चलता है क्या वजह है। जहाँ बच्चे यहाँ बारिश में भीगते हैं, कीचड़ उठता है, कोई तवज्जो नहीं दी गई है। मैं फिर गुजारिश करूँगा कि इस रोड को क्लियर किया जाए। गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, खासकर SDM साहब से और RMB डिपार्टमेंट से। देखिए इलाके त्राल में बड़ी खुशी की बात है, हर जगह रोड मैग्नमाइज हो गया है, मगर हमारा जो रोड है धोबीवान से लेकर नहर तक, मंगवामा से नहर तक धोबीवान बिल्कुल रोड मैग्नमाइज नहीं। और मेरी लोगों से भी गुजारिश है जिन्होंने रोड को ऑक्युपाई कर रखा है वो भी गवर्नमेंट के साथ हमारे साथ कॉपरेट करें, रोड को हम कुशीदा कराएँ, जहाँ जहाँ रोड बंद है उसको खोल के मैग्नमाइज कराएँ, क्योंकि हमारे आने जाने की बड़ी दिक्कत है। गाड़ियों वाले नहीं मान रहे हैं क्योंकि गाड़ी का बड़ा नुकसान हो जाता है, लोग बड़े परेशान हैं। एक हमारा पौजू रोड है वो देखिए वो बिल्कुल मैग्नमाइज हो गया, वहाँ से लारी से लेकर गुड़गाम तक वो बिल्कुल मैग्नमाइज। मेरी अपने गाँव से लोगों से अपील है कि जिन जिन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है वो रोड को खोलें, हम मैग्नमाइज कराएंगे। SDM साहब एक बार आया था, उनका हम दिल्ली से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इसमें जबरदस्ती जबर इंटरेस्ट किया, मगर लोग